So this is the era of Photoshop, right? So Photoshop is very important. Nowadays, almost everywhere Photoshop is used. If you will go for the Google and search anything like marketing strategy or maybe like marketing promotional designs or anything, you will get various kinds of, if you want for business or anything, you will get like thousands of posts which are designed by Photoshop, right? इसका मतलब क्या है कि आज के टाइम में फोटोशॉप को हम ऑलमोस्ट ऑल एवरी काइंड ऑफ और ऑल काइंड ऑफ डिज़ाइंस, ऑल काइंड ऑफ मार्केटिंग हो गया, या फिर कोई बुक का डिज़ाइन हो गया, या फिर मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करने का डिज़ाइन हो गया, क्लासेस हो गया, सारे के सारे चीज़ में फ़ोटोशॉप का कुछ ना कुछ यूज़ हो रहा है, ठीक है? तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि फ़ोटोशॉप के बारे में थोड़ा सा समझेंगे क्या कैसे होता है, एंड फॉर दैट रीज़न मैंने एक फ़ोटोशॉप का बेसिक कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें हम पहले आज के वीडियो में ओपनिंग करना सीखेंगे। सो उसके लिए आपको स्टार्ट में जाना होगा और आपके फ़ोटोशॉप का जो भी वर्सन है उसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। इन जनरली मेरे पास अभी 2021 है, आपके पास मे बी उससे लेस हो या फिर आगे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास फ़ोटोशॉप नहीं है, यू कैन एबल टू कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, लाटेस्ट का नहीं लेकिन मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पेड नहीं परचेज करना है, आप पेड को ज़रूरी परचेज करिए, क्योंकि अगर आप कोई ऑफिशियल काम कर रहे हैं तो पेड बहुत ही रिक्वायर्ड होता है, ठीक है? और जब भी फ़ोटोशॉप ऑन हो रहा है, इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, सो उस समय के दौरान आप उसके लिए थोड़ा सा रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आप ओपन कर लेंगे, उसका स्क्रीन कुछ इस तरीके से आएगा, जहाँ पर अगर आप क्रिएट में क्लिक करेंगे, सो दिस इज़ द स्क्रीन जहाँ से हमको कैनवास बनाना होता है, ठीक है? और कैनवास बनाने के लिए आपके पास वैरायटीज ऑफ एस्पेक्ट रेशियो पहले से मौजूद हैं अगर आप 2021 यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कोई ओल्डर वर्सन में हैं तो फिर आपके लिए मौजूद शायद ही ना हो। तो आप चाहे तो यहाँ पर विड्थ, हाइट, इन सबको देख के और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो आगे मैं डिस्कस करूँगा, उनको देख के आगे जा सकते हैं। या फिर मान लीजिए अगर कोई प्री डिफाइंड एस्पेक्ट रेशियो जो यहाँ पर दिया गया है आप उससे जाना चाहते हैं, तो सिंपली आपको उसमें क्लिक करना होगा जो भी एस्पेक्ट रेशियो आप करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। और आप चाहे तो हाइट, विड्थ एंड सब कुछ एडजस्ट कर सकते हैं, सिंपली हम क्रिएट में क्लिक करते हैं और ये हमारा हो गया एक फ़ोटोशॉप का बेसिक कैनवास रेडी। इस कैनवास में आप सब कुछ मतलब कि यहाँ से काम कर सकते हैं, जैसे ऊपर मेन्यूज़ अवेलेबल हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और मेन्यूज़ के नीचे अगर हम देखें तो सब लेफ्ट हैंड साइड में कुछ टूल्स वगैरह हैं, राइट हैंड साइड में बहुत सारे विंडोज़ हैं जिन विंडोज़ को हम तरह तरह के काम के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है? सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझ में रखना होगा जब भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तो इसको लेके हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? और साथ ही साथ मैंने जो कोर्स का सिनेरियो कहा था उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, पोस्ट अभी भी अवेलेबल है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, बेसिक इंट्रो। थैंक यू।